कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.2 एंड कॉन्सेप्ट्स। ये कामरान की एक तकलीफ है। अरे वेरी गुड बेटा, वही तो चाहिए थी। एक तू यूज कर लो, एक तुम यूज कर लो, एक मेरे पास रखो ना। अच्छा रहने दो, तुम लोग अपने पास टेक्स्ट बुक रखो, मैं अपने पास डाइजेस्ट रख लेता हूँ लगे तो। इतना लेट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। ये टेंथ है बेटा, नाइन्थ नहीं है। पहले बोल रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है। देख रहे हो, रिपीट भी हो गई मेरी वॉइस। माँ कुछ भी करो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अलिफ, ये शुड बी होल्ड, ठीक है? चलेगा, पकड़ लोगे ना? कि नशरा को बोलूँ? पकड़ता हूँ। पकड़ लोगे? तो आ रहे बराबर? कैसे आ रहे बराबर? आ रहे। राइट, ऑलवेज और ये बराबर आ रहे ना? कैमरा साफ कर लो, कैमरा क्लीन कर लो, बराबर है? देखो पहले मेरा नाम लिख लो अगर तो। हाँ शेर दिख रहे हैं बराबर? हाँ बराबर, तो थोड़ा बड़ा लिखूंगा मैं, ठीक है? और तू रुमाल देते ना नशी जरा सा, ठीक है? तो आज से अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है? ओवेज और कैसर को भी थोड़ा सा आसानी होगी और मैं बड़ा लिखूंगा, ठीक है? इतना डिफिकल्टी की बात नहीं है। लिख थोड़ा सा और आगे आ जाओ बेटा, ठीक है? परफेक्ट। लाइट ऑन है ना दोनों? एक्चुअली ना अपने को उधर बैठना चाहिए था। लाइट उधर आ रही है, रुक जाओ जरा सा। ओवेज और कैसर होल्ड कर लो, इसको पकड़ के उधर बस रख दो। परफेक्ट, यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है। अली जी तुम उधर आ जाओ राइट में। चलो है अली बराबर? हाँ, अभी एकदम हाँ। क्लियर ना? चलो कहाँ पे थे अपन? 5.2 पे। ओवेस अगर सही लगेगा तो मेरे को बता, कमेंट करके बता, ठीक है? वैसे थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो क्लीन ही दिखेगा, ठीक है? चलो 5.2 करने से पहले ना अपने को देखने गए दो थ्योरम। पुराने वाली एक्सरसाइज में अगर अपने को याद हो तो अपन ने एक फॉर्मूला देखे थे, वो फॉर्मूले का नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर याद हो तो। बराबर है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता था? जैसे एक लाइन है अपने पास, बराबर है? लाइन का नाम है ए बी, बराबर है? ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया है 1.0, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 5.0, अज्यूम करो, ठीक है? समझो 1.10 ले लिया इधर मैंने, ठीक है? तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे ए बी का? अलीजा, ए बी को डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x-2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। याद है इतना फॉर्मूला, ठीक है? तो ये फॉर्मूले का नाम क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है ना? ठीक है, अब अपन करेंगे। सर ने बोला क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है बेटा, और आगे आ जाते। क्या हो रहा मालूम है? यहाँ से लाइट यहाँ पे आ रही है, इसमें रिफ्लेक्शन से ही नहीं कर रहा ना, इतना पावर तुम आई सही बैठे। अब क्लियर है? बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं देखना, हाशिर अंसारी सर्च करके देख, बराबर आ रहा है क्या वीडियो? हाशिर मैं यहाँ से बैठे बैठे तुमको बोल रहा ना, मोबाइल में रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। एक ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उतना मैटर नहीं करना चाहिए। अब क्लियर है क्या सर?
कमेंट करके बताना मेरे को क्लियर है कि नहीं, नहीं तो फिर सिर्फ साइंस के लिए मैं बोर्ड रख लूंगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रिलोड करना, नीचे स्वाइप कर, आया भी नहीं आ रहे ला बता। स्ट्रीमिंग लिस्टेड पे तो नहीं है ना, अरे यार स्ट्रीमिंग देख नहीं है, नहीं है नहीं। एक सेकंड दे रहा मेरे को, वहां पे लाइट एकदम कम आ रही थी। आया ना लाइट, लेकिन अलीफ उल्टा घुमा के पकड़, ऐसा नहीं 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 ऐसा, हाँ 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 बस अलीफ ऐसे ही पकड़ के रख। अब घुमा के देख केसर बराबर है क्या, केसर कमेंट करके बता बराबर है क्या, अब बराबर होना चाहिए। कुछ लिखू मैं, अगर हाशिर लिखू तो है, लिखा उसमें है ना, क्लियर है ना, ठीक है चलो आ जाओ। चलो अब अपन आज एक नया थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं और फॉर्मूले का कंसेप्ट समझो, ठीक है। फॉर्मूले का कंसेप्ट समझना तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले का कंसेप्ट समझा ना तुम लोगों को, तो तुम लोगों सब समझ गया, ठीक है। चलो अब ये है कि अगर लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है, ठीक है, समझो एक लाइन है, अज्यूम करो एक लाइन है। लास्ट टाइम अपन ने क्या देखी थी कि भाई समझो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब अज्यूम करो कि भाई यहाँ कहीं पॉइंट आ जाता है, ठीक है, और इस पॉइंट पे समझो पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं पी, क्या नाम दे देता हूं पॉइंट का, पी, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, ए का कोऑर्डिनेट समझो 1,0 दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 5,8 दिया हुआ है, पूछेगा मेरे से पी का कोऑर्डिनेट निकाल के दो, x,y, मेरे से पूछेगा पी का कोऑर्डिनेट निकाल के दो, तो भाई अपन पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बराबर है। और ये भी बात नहीं बोला है कि ये मिड पॉइंट है, दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, इट इज नॉट, तो ये निकालने के लिए मतलब ये हो गया एक सेक्शन, इतना पार्ट और इतना पार्ट, बराबर है, ये हो गया सेक्शन, बराबर है। तो इसीलिए यहां पे फॉर्मूला यूज होता है, सेक्शन फॉर्मूला, क्या यूज होएगा, सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन, पुराने फॉर्मूले का नाम क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है। तो ये सेकंड फॉर्मूला इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं, फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला होता है, सबसे देखो x और y की वैल्यू निकालने की है, तो x के लिए फॉर्मूला रहेगा mx2 प्लस nx1 हा अपॉन x2 माइनस x1 m प्लस m, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो y के लिए भी ऐसी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, m बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट आउट करके तुम लोग इस मिडिल में जो सेक्शन है p, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला कब मारोगे, जब बीच का जब वो मिड पॉइंट नहीं होगा, व्हेन नो मिड पॉइंट इज गिवन, सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा, जब मिड पॉइंट नहीं दिया रहेगा, जब मिड पॉइंट नहीं दिया रहेगा। अच्छा अब तुम लोग एक चीज में कंफ्यूज हो गए, भाई
समझो मैंने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। भाई x1 x2 है, y1 y2 है, ये m और n क्या है? ये m और n क्या है भाई? ये कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो वो क्वेश्चन में अपने को देगा m और n। कैसे देगा? देखो ये वाला जो पार्ट होगा इतना हिस्सा ये होगा m और इतना हिस्सा जो होगा ये होगा n। वो हमेशा क्वेश्चन में अपने को कैसा देगा मालूम है? m और n, वो ऐसे देगा m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 ऐसा देगा। तो ये जो m की वैल्यू है ना ये 2 रहेगी और ये जो n की वैल्यू है ये 3 रहेगी। समझा m और n कहां से निकलेगा? तो ये सारा कंसेप्ट समझा, ये पूरा कंसेप्ट था सेक्शन फॉर्मूले का। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। चलो तो मैं यहां पे एक छोटा सा हिस्सा लेकर सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। क्या था सेक्शन फॉर्मूला? एक्स की देखो क्या करने वाला अलीजा, मैं जब हमजा लोग और ईशा लोग और कैफ लोग तेरा तो लोगों एक तरीका बताया था, एम प्लस एन लिखो, एम प्लस एक्स टू एक्स वन हो गया। सिमिलरली वाई के लिए एम प्लस एन लिखो और एम प्लस वाई टू वाई वन हो गया, डन। समझा? पक्का? अभी बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है ना मेरी, ठीक है। समझा तुम लोगों को सारा कंसेप्ट? हाँ, तो फॉर्मूले का नाम क्या था? सेक्शन फॉर्मूला। क्या था? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, समझ गया सारा कंसेप्ट पक्का। चलो अच्छा अब आते हैं नए कंसेप्ट पे। अब अगर मिड पॉइंट दे दिया है, जैसे मैं बोलता हूं समझो ये ए है ये बी है, वो बोल रहा है कोई सेक्शन नहीं है कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि अज्यूम करो एम मिड पॉइंट है, वो स्पेसिफाई कर रहा है कि एम मिड पॉइंट है, ठीक है। अरे वाह ओवेस बोल रहे सर ऐसे ही सही है, वेरी गुड ओवेस, पहले ही बोला उसने, बहुत अच्छी ओवेस। तो मतलब बोर्ड लाके मेरा कुछ फायदा हुआ, बराबर है। तुम लोगों को भी थोड़ा सही लग रहा है? हाँ, वैसे तो कैफ बोल रहा था बोले बोर्ड पे पढ़ाओ भाई या बुक पे पढ़ाओ, मेरे को तो सेम ही लग रहा था। तो तुम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। कैफ? हाँ कैफ से लेके आया मैंने बोर्ड, ये थैंक यू बोल दो कैफ को सब एक बार कि वे बोर्ड कैफ की तरफ से आया है, ठीक है। हाँ अरे मिल ही नहीं रहा था, कोई स्टेशनरी नहीं खुली बेटा। अच्छा, जो स्टेशनरी खुली है ना वहां पे बोर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो ये बोर्ड बड़ी मुश्किल से अपने को मिल गया, बड़ी नसीब से अपने को मिल गया, ठीक है। अच्छा अब मैं कहा था, अब ये बोल रहे कि भाई ये वाला जो बंदा है ना ये मिड पॉइंट है, ये वाला बंदा अपना, तो देखो दोनों में फर्क है। सेक्शन फॉर्मूला तब लगेगा जब मिड पॉइंट नहीं रहेगा और एम और एन दिया रहेगा, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले में एम और एन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूले पे आ जाते, मिड पॉइंट फॉर्मूला एकदम चिंदी है, एकदम चिंदी। मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है, समझो मैं अज्यूम करता हूं, हाँ इसका वैल्यू ले लेता हूं 2.6 और इसका ले लेता हूं 8.4 और बोल रहा है भाई ये m का x, y निकाल के दो, m का कोऑर्डिनेट निकाल के दो, ठीक है। और क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि m इज द मिड पॉइंट, मतलब am और mb इक्वल है, सही बात है। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने को बोलेगा एक्स का वैल्यू अगर निकालना है, इस एक्स का, ठीक है, इस एक्स का वैल्यू अगर निकालना है, जो बंदा मिड पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट में एक्स का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, सिंपल। तो वाई का क्या होगा लीजू, फटाफट बोल दो, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, सही बात है सिंपल पक्का। चलो ठीक है आ जाते हैं अपने पास सारे फॉर्मूलेस, अपन ने इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज में होने वाले फॉर्मूलेस अपन ने देख लिए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपन सम पे, ठीक है। बोर्ड का ये एक फायदा होता है कि अपन फॉर्मूले साइड में लिख के चल सकते हैं, फिलहाल छोटा बोर्ड है वरना बड़ा रहता है तो अपन और अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं पहले सम पे आता हूँ,
ठीक है, फॉर्मूले आप लोग के सामने है। ठीक है, पहला सम बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, बोल रहा है कि भाई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट निकालते थे। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पी क्या कर रहा है, डिवाइड ऑफ पॉइंट ए एंड बी इन रेशियो 2:3, बोल रहा है समझो ये ए है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ठीक है, समझो ये ए है, ये पी है और ये बी है, पी का कोऑर्डिनेट निकाल के दो। तो एक्स कॉमा वाई ले लेता हूं, ए का कोऑर्डिनेट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है -1.7, बी का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है 4.-3, बोल रहा है पी जो है ना ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 2 होगा और ये 3, तो m 2 हो गया, तो लिख दो फटाक से m इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू। ठीक है, ये बनाने की कतई जरूरत नहीं है, ये तुम लोग को मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं बनाओगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे आंसर आएगा। चलो, तो बस अब p का कोऑर्डिनेट निकालना क्या है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सही है। हाँ चलो, सेक्शन फॉर्मूला मारूंगा तो x का फॉर्मूला क्या था, mx2 + nx1 + n बराबर है। चलो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, m 2 मल्टीप्लाई बाय x2। चलो, ये बन गया मेरा x1 y1 और ये बन गया x2 y2, सही है। चलो, 4 तो x2 है ना 4 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है मेरे पास -1 अपॉन 2+3, सही है। यहाँ पे x निकाल लेंगे, यहाँ पे y निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 4 8 -3 1 3 ±- हो गया, बराबर है 2+3 5, तो x की वैल्यू आ रही है 5/5, x की वैल्यू आ गई 1, समझा, पक्का श्योर। चलो, y पे निकाले, सिंपल सम, बहुत सिंपल सम, my2 + ny1 / m + n, सही बात है। हाँ चल, y की वैल्यू, n कितना है 2, y2 क्या है -3, n कितना है 3, y1 क्या है 7/2+3, सही है। चलो, ये कितना हो जाएगा -6 + 21/5, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 15, बड़े नंबर की साइन प्लस है, तो y की वैल्यू आई 15/5 1 3। देखो, अब यहाँ पे आंसर रख के छोड़ नहीं देना कि भाई y की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे आंसर छोड़ दिए तो तुम लोग की आधा मार्क कट जाएगा। क्यों मालूम, उसने मेरे से पूछा है p का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 3। This is the correct answer. ठीक है, समझा, पक्का, ठीक है। तो अब तुम लोग अपनी बुक में लिखना पड़ेगा, तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग को अपनी किताब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कैसर और ओवेस जो है वो लोग स्नैपशॉट ले लो, कैसर और ओवेस जो है वो स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, और तुम लोग भी अपनी बुक में लिखना शुरू करो। अलीफ तू भी लिख ले अपनी बुक में, चल फटाफट, एकदम मस्त क्वालिटी है, क्या एकदम मस्त क्वालिटी है वीडियो की, अच्छा, मतलब बराबर आ रहा था, फिर बाद में क्लीन हो गया ना खुद ही। मोबाइल का एक स्टैंड मिल जाता ना रखने का, मजा आ जाती, लेकिन फिर तुमको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता। नहीं, छोटा स्टैंड ना, सेल्फी स्टिक वाला। मोबाइल के लिए बोल रहे हो, मैं बोला वो बोर्ड को। मैं इसमें खड़े बैठे जैसा बोलेंगे ना वैसा पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तुमको 2 घंटा खड़े रहना पड़ेगा। मैं इसमें रेडी हूँ, 3 घंटा बोलेगी मैं 3 घंटा खड़े रहने के लिए रेडी हूँ। जाके फिर ले आओ, अभी मैं थोड़ा और खेल लेता हूं। ट्राइपॉड जैसा। बेटा तू बोल रहा था ना तेरे पास ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड नहीं, वो सेल्फी स्टिक है। लेकिन है।
तो ले आता ले, बाद में ले लेता ले मेरे से। अरे अपन किसी डब्बे पे रख के खड़ी कर देंगे, बॉटल के अंदर रख के। हां शो का पतला सा होल होता है उसको खड़ा कैसे करोगे? बॉटल में नहीं। चलो फटाफट सॉल्व करो अलीजा। अलीजा तो मस्त छाप भी सकती है अब। कैसर क्या बोल रहा है? होगा क्या? होगा क्या? होगा कैसर? ऐसे में ना साइंस पढ़ने ज्यादा मजा आएगा। मालूम है? अली फटने से तक खाना मत चला। हाँ अली ज़्यादा कैसे पूछे करी? आपने देखे? मैं देखा, तुमने बोर्ड पे देखे ही ना? सिर्फ क्वेश्चन देखे? क्या बात है माशाल्लाह। चलो सेकंड सम पे आते। चलो आ जाते हैं सेकंड वाले सम पे। सेकंड वाला सम भी एकदम डिट्टू सेम है। तुम लोग करोगे क्या? क्वेश्चन नंबर टू है ना? क्वेश्चन नंबर टू का 1, 2, 3 तीनों ठीक है, तुम लोग को दे देता हूं मैं। ठीक है, उधर MN दिया है ना अपने फॉर्मूले में, इसने AB दिया हुआ है बस। ठीक है, ठीक है, AB = 2:1 दिया है ना रेशियो, तो MN की जगह तुम लोग इधर फॉर्मूले में AB लगा देना। ठीक है, बस और कुछ फर्क नहीं है। करोगे तीनों सम? तो तीनों सम मैं होमवर्क के लिए देता हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर टू का, क्वेश्चन नंबर टू का 1, 2 और 3 होमवर्क है। ठीक है चलो। अरे ये मैग्नेटिक है, मेरे को पापा बोले कि चाहिए तो मैग्नेट लेके जाओ मेरे से, नोट्स ऐसा स्टिक करके लगा सकते हैं। स्टिकी नोट्स? हाँ स्टिकी नोट्स, बोले एक पेज पे लिख के कुछ भी तुम मैग्नेट। मैं बोला अभी उसकी क्या नीड है अपने को। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन कराया, क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क दिया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री को चेक करना, इसने ना हल्का सा इस फॉर्मूले को घुमाया है। क्वेश्चन का फोटो भेज दो। क्वेश्चन का फोटो भेज दो? मैंने टेक्स्ट बुक पूरी भेजा हुआ था केसर, ज्योमेट्री की। रुक जा, ठीक है मैं ये होता है ना अभी स्ट्रीम होती है तो मैं तेरे को पूरी टेक्स्ट बुक सेंड कर देता हूँ। ठीक है केसर, पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक सेंड कर दूंगा। और अभी ये होमवर्क है ना? हाँ, तो क्वेश्चन का फोटो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो जब करेंगे तो तब कर लेना। फाइंड द रेशियो इन विच टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। इधर देखो, मेरे को बोल रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो कौन से दो पॉइंट को ज्वाइंट कर रही है? पी और क्यू को। तो समझो ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। पी का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है -3, 10 और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे को 6, -8। ठीक है, और बोल रहा है टीवी है। अब टी मिड पॉइंट है, ये नहीं दिया है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो मैं टी यहां ले लेता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, टी बोल रहा है -1, 6 है। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो रेशियो है ना ये निकाल के दो। मतलब मेरे से बेसिकली एम की वैल्यू पूछा है। और N की वैल्यू, पुराने क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को ध्यान हो ना तो उसने मेरे को ये नहीं दिया था, ये दोनों दे दिया था। बराबर है, एम और एन दे दिया था और एक्स और वाई पूछा था। बराबर है, और अभी एक्स और वाई दे दिया है और एम और एन पूछा है। सही बात है। चलो लाइट आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दिया हमने। ठीक है, तो समझा अलीजा क्या निकालना है? तो देखो, ये वाला बंदा बनेगा मेरा X1, ये वाला बंदा बनेगा Y1, ये वाला बंदा बनेगा X2, ये वाला बंदा बनेगा Y2, और ये वाला बंदा X1। वेरी गुड, ये वाला बनेगा X, Y, क्योंकि X, Y तो निकाला जाता है ना। सही है, तो अपने पास ये बार X, Y की वैल्यू है।
बराबर है, चलो सॉल्व करते हैं। बस ये फॉर्मूला डालना है, वैल्यू निकालना है। चलो x के लिए निकालता हूँ, x का फॉर्मूला क्या है, mx2 plus nx1 upon m plus n, बराबर है। x मेरे पास गिवन है, क्या है माइनस वन इज इक्वल टू m, क्या है मेरे पास नहीं है ना, तो m की जगह मैं m लिख के छोड़ दूंगा, ठीक है। x2 क्या है मेरे पास, सिक्स, n नहीं है मेरे पास। x1 क्या है मेरे पास, माइनस थ्री अपॉन m प्लस एन, वैसा का वैसे ही लिख के छोड़ देता हूं, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ये वाला बंदा डिवाइड में, ये वाला बंदा जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, बराबर है। तो ये हुआ माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एम प्लस एन, क्योंकि दो टर्म जा रहे थे उधर, तो मेरे को ब्रैकेट खोलना जरूरी था, सही है लीजा। अब ये वाला बंदा बना सिक्स एम और ये माइनस थ्री एन, सही बात है। अच्छा इसको सॉल्व करता हूं, माइनस एम माइनस एन, बराबर है, माइनस वन अंदर भेजूंगा तो माइनस एम माइनस इज इक्वल टू सिक्स एम माइनस एम का टर्म एक तरफ रखता हूं, एन का टर्म तो भेजता हूं ये माइनस एम को उधर, माइनस एम को उधर और माइनस थ्री एन को इधर, तो माइनस थ्री एन इधर आके प्लस थ्री एन हो जाएगा और ये माइनस एन, तो ऐसा का ऐसा ही, ये सिक्स एम माइनस एम उधर आया तो प्लस एम, ये टू एन बना और ये सेवन, बराबर है। अब क्या करता हूं, सेवन नीचे भेज रहा हूं और एन नीचे भेज रहा हूं, तो टू अपॉन सेवन एम अपॉन एन की वैल्यू, और अगर याद हो तो अपने को एम रेशियो एन निकल गया ना, टू रेशियो सेवन, बस तो ये वैल्यू टू हो गई और ये सेवन हो गई, सिंपल इज दैट। वाई का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वाई का लगा, अगर तुम लोग एक्स की जगह सिर्फ वाई का भी लगाते ना तो भी यही आंसर मिलता, तो या तो एक्स का लगाओ या तो वाई का लगाओ, कितना सिंपल था। यहां से देखो बस क्या करने का था, एम अपॉन एन निकालने का था ना, इसलिए मैंने एम को ऊपर रखा, एन नीचे भेजा, सही है, और सेवन नीचे भेज दिया, एम अपॉन एन आ गया, यही तो दिया रहता ना अपने को क्वेश्चन में, एम अपॉन एन की वैल्यू, तो जो लाइन सेगमेंट जो डिवाइड हो रहा है वो डिविजन अपने को मालूम पड़ गया, कितना सिंपल सम। फटाफट करो इसको ऐसा करके ना नीचे रख दिया करें, ठीक है। चलो फटाफट केसर और ओवेश जो है वो स्ट्रीम का स्नैप ले लिया करो, ठीक है, स्नैप लेके लिख लिया करो या खुद से सॉल्व किया करो सम को, मस्त लग रहा है रे बोर्ड पे पढ़ाने मेरे को, मजा आ रहा है, फीलिंग बेटर, फील्स लाइक आई एम अ प्रोफेसर। बेटा आई एम अ प्रोफेसर, मैंने डिग्री का मैथ्स कराया हूँ जी, इसका भाई मेरी वजह से पास हुआ है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, ये क्या अभी तक यूज थोड़ी हुआ है, अभी तक के तो अपन सेक्शन पे है ना, आगे आएंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा, अभी नेक्स्ट सम ही है शायद, लो अलीजा तुम्हारे लिए नेक्स्ट सम ही है वो, ठीक है, अभी तक के अपन ने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करे, बराबर है, मिड पॉइंट अभी बाकी है। मतलब पांच क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूले के थे, मेरे को ये देखने का ये एक मार्कर कितने दिन चलता है, वैसे तो तीन लाया हूं मैंने, ओपन टू से ओपन, हाँ बस यहाँ पे डाल देंगे पड़ेगा, वैसे तो नहीं बहुत ईजी है। अलिफ मैंने ना परसों तुमको आवाज दिया कहाँ पे, ऊपर से, और हाँ। तुम इधर उधर पीछे पलट के देख रहे हो, मैं ये पूछने के लिए आवाज दिया था कि वो दुकान खुली थी नीचे वहाँ पे बोर्ड मिलेगा तुम्हें, नहीं 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 पूछे तुम, उसे ये पूछ लेने का था कि मंगा के दे सकते है, पूछता हूँ, पूछो ना कि अगर मंगा के देने का तो दे सकते है, इससे डबल साइज का बोर्ड चाहिए, मतलब बोल दूंगा जो बड़ा साइज का, जो सबसे बड़ी साइज का, अराउंड कितने फीट का होगा वो, ये कितना, चार फीट का तो लगेगा कम से कम, इससे डबल साइज का, अमेज़न से मंगा लो ना,
डिलीवरी करता नहीं करता अमेजोन फास्ट ही देते हैं देख जरा सा अमेजोन पे है क्या प्रीपो व्हाइट बोर्ड पापा बोले मैंने भी अमेजोन से मंगाई थी चलो हो गया अलीजा चलो वेरी गुड आ जाते अपन अभी नेक्स्ट पे ठीक है अलीजा कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा है बुक में पढ़ाने का या बोर्ड पे पढ़ाने का बोर्ड पे ज्यादा अच्छा है मतलब वी आर डेवलपिंग ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना अपने को सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज होगा ठीक है विल बी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वेरी गुड ये बुक इधर देख लो ये बुक मैं अलीफ को दे रहा हूं इसका जेरोक्स कराओगे सबके सब बंदे ठीक है सबके सब बंदे इसमें पूरे टेंथ के सारे फॉर्मूलेज लिखे सारे ए टू जेड सारे फॉर्मूलेज देखो डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी आगे करोगे तो सेंट्रोइड आने वाले है ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज में ठीक है ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो लिखे है आइडेंटिटीज लिखी है पूरा टेबल बना हुआ है मेंजुरेशन के सारे फॉर्मूले जितने लगने वाले है सब कुछ है इसमें फिर साइंस के फॉर्मूले आ गए देख लो सब साइंस के सारे फॉर्मूले फिर साइंस में CuSO4 क्या होता है कॉपर सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट देख लो सब कुछ है ठीक है ये पूरी बुक है ये करें ना अपन ने वाला फॉर्मूला सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फिर रूट आर रियल और इक्वल रियल इन इक्वल नॉट इक्वल सही है तो देखो ये वाली किताब मैं दे रहा हूं अलीफ को ठीक है अलीफ से सब ले लेंगे ठीक है फिलहाल मैं किताब पे नाम लिख देता हूं कैफ का क्योंकि उसकी बुक थी ठीक है तो ये बुक सब जेरोक्स कराओगे ठीक है चलो ले रख लो अलीफ ठीक है और उसको बिल्कुल घुमाना नहीं ठीक है उसके पास एक रखी हुई थी मैंने ले आया ठीक है चलो आ जाते हैं अपन चौथे क्वेश्चन पे बंदे अपने को क्या बोल रहे हैं मालूम पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब एक सर्कल है थोड़ा सा इधर बनाता हूं मैं क्योंकि लाइन आने वाली है ये सर्कल है ये सेंटर है ये सेंटर है पी ठीक है ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर तो जाहिर सी बात है भाई कैसा भी बना लू ठीक है ऐसा बना लू क्या ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा ठीक है ये ए रहेगा और ये ए बी इज द डायमीटर अक्कल लगाएगी ना तो पी जो है मिड पॉइंट बन गया डायमीटर आधा बराबर है सेंटर है ना तो पी अब मिड पॉइंट बन गया तो अब तुम लोग को अक्कल आ जानी चाहिए अब मैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा अब मैं यूज करूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला चलो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछा है मेरे से मतलब x2 y2 पूछा हुआ है बराबर है मेरे को p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 0 और a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 ठीक है जाहिर सी बात है सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल therefore p is ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम लोग समझाने के लिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर भी लिख सकते हो या ए बी लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए therefore by मिड पॉइंट फॉर्मूला चलो by मिड पॉइंट फॉर्मूला x का फॉर्मूला क्या है x1 + x2 / 2 सही बात है देख लो अब यहां पे मेरा x1 ये है y1 ये है x2 y2 तो ये है और ये है x, y सही बात है सही है अलीफ हाँ इसको x2 y2 नहीं लेके बैठ जाना सेंटर में जो होता है वो x, y होता है ठीक है सेक्शन में भी अपन ने ये चीज देखी है सही है चलो x -2 = x1 2
प्लस एक्स टू तो नहीं मालूम है, अपॉन टू, टू उधर भेज दो, ठीक है, तो माइनस फोर हो जाएगा, टू प्लस एक्स टू बराबर है, प्लस टू उधर भेजा तो minus. तो माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू, अच्छा एक्स, हाँ एक्स टू, ठीक है, तो एक्स टू की वैल्यू आ रही है माइनस सिक्स, समझा पक्का, चलो नेक्स्ट निकालते, वाई वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, सही है, चलो जीरो है वाई, वाई वन कितना है माइनस थ्री, प्लस वाई टू अपॉन टू को उधर भेजूंगा तो टू जीरो से जीरो ही रखने वाला है वो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वाई टू, तो वाई टू की वैल्यू आ गई प्लस थ्री, सही बात है, माइनस थ्री उधर जाएगा तो प्लस थ्री कर देगा, जीरो प्लस थ्री थ्री हो जाता है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, एक्स टू कॉमा वाई टू था ना, तो बन गया माइनस सिक्स कॉमा थ्री, दिस इज द आंसर, कितना सिंपल था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और आंसर किया, केसर और ओवेस स्नैप ले लो फटाफट और सॉम सॉल्व करना शुरू करो, चल अली फटाफट कर, आज अपन करेंगे साइंस का एकदम मस्त वाला कंसेप्ट, नेक्स्ट तो आज का कंसेप्ट सीखना, सिर्फ बोर्ड पे देखना, मैं ना आज जो चीज बताने वाला हूँ ना, तू बोलेगी क्या मस्त चीज बताए हो, ग्रेविटी की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बड़ा है, थ्री बाय फोर, फोर फीट थ्री फीट, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक, कोई सस्ते में देखना चाहिए, बहुत छोटे छोटे थे, चलो हो गया अलिफ, चलो आ जाओ नेक्स्ट, मेरे को बोलो ना कि भाई हो गया, चलो पकड़ो अलिफ, रब आउट कर ले रहा, और तुम लोग ने स्नैपशॉट ले लिए ना केसर और पेसर, चलो नेक्स्ट करते, अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच p
पी डिवाइड्स द सेगमेंट ए एंड बी, ठीक है. ऑल्सो फाइंड के, ठीक है. अब इधर देखो कॉन्स्टेंट, मेरे को क्या बोल रहा है मालूम, कि बोले भाई समझो एक लाइन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और बोले पी है ना पी, उनको डिवाइड कर रही है. पी जो है उनको बोल रहा है, ए का जो कोऑर्डिनेट है ना वो 8.9 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 1.2 है, पी का जो कोऑर्डिनेट है वो k.7 है. और बोल रहा है ये रेशियो भी निकाल के दो मेरे को, मतलब मेरे को m और n की वैल्यू भी निकाल के दो, और मेरे को ये k की वैल्यू भी निकाल के दो, मतलब x, x की वैल्यू. सही है, चलो ठीक है. तो अब देखो सिंपल सा लॉजिक मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ पे x का फॉर्मूला नहीं लगा, अभी जाहिर सी बात है सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है, बराबर है. बट सेक्शन फॉर्मूले में मैं x नहीं लगा सकता, क्यों मालूम, क्योंकि x की वैल्यू पे k है, दो चीज अननोन हो जाएंगी, m और n भी अननोन हो जाएंगे और x भी अननोन हो जाएगा. तो मैं x का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा y. क्यों y का लगाऊंगा, क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो यहाँ पे सिर्फ m और n अननोन रहेंगे, उससे मैं m और n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसे आप उन्होंने लास्ट टू लास्ट सम में किए, m और n एक बार निकल गए तो ये निकालना मेरे लिए इतनी भारी काम नहीं है, x का फॉर्मूला लगा के मैं m n की वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ. तो करो बिस्मिल्लाह. चलो इधर देखो, ये रहा मेरा x, y, ये x2, y2, x1, y1, बराबर है, ठीक है अलीजो. चलो बिस्मिल्ला करते हैं, वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा हाँ मैं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, बराबर है. चलो अब इधर देखो, वाई क्या है मेरे पास 7, एम तो नहीं मालूम है, वाई टू मेरे पास 2 है, प्लस एन तो नहीं मालूम है, वाई वन मेरे पास 9 है, अपॉन एम प्लस एन, उधर भेज दू तो ये 7 एम प्लस एन के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, इसीलिए ब्रैकेट आ गया, क्योंकि बाइनोमियल उधर जाता है किसी के साथ मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट डालना जरूरी है. ये मैं तीसरी से चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको ब्रैकेट नहीं डालते, एक 7 एम प्लस एन लिख देते डायरेक्ट, तो ये गलती नहीं करना यहाँ पर, ठीक है, ये बेसिक अलजेब्रा है. चलो ये 2m प्लस 9m हो जाएगा, 9n हो जाएगा, बराबर है. ये 7m प्लस 7n बेटा वो वाले घर में मालूम है ना उमेर, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n, बराबर है. चलो ये 2m इधर भेज देता हूं और 7m उधर भेज देता हूं, तो 7m माइनस 2n और इधर 9n माइनस 7n, तो ये कितना हुआ 5m, और ये कितना हुआ 2m, 5m हुआ ना ये, और ये 2n. तो बस n को नीचे भेजना है और 5 को, तो m अपॉन n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2 अपॉन 5, बोलो लीजो 2 अपॉन, तो m रेशियो n मिल गया मेरे पास 2 रेशियो 5, बराबर है. हाँ चलो अब ये मेरे को मिल गया 2 और ये मिल गया 5, सही है. चलो अब बस क्या करना है मेरे को, x का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मेरे को k निकालना है ना. चलो x का लगाओ, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, बराबर है. x की जगह पे k है फिलहाल, और वैल्यू भी तो उसी की निकालनी है ना अपने को. चलो m कितना है मेरे पास 2, x2 क्या है मेरे पास 1, n कितना है मेरे पास 5, x1 क्या है मेरे पास 8 अपॉन 2 प्लस 5 m प्लस n, सही है. अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे ना, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख के चलता हूँ, जिससे मेरा सम इजी होता है. ये जो लिखता हूं ना मैं यहाँ पे कि x1 y1 क्या है, x y क्या है, x2 y2 क्या है, m क्या है, n क्या है, देखो मैंने वैल्यू जैसे ही निकाला ना, मैंने फटाक से इधर लिख दिया. मैं हमेशा ये चीज करता हूं, अगर दिमाग लगाओ तुम लोग तो. चलो 2 5 8 जा 40, 5 2 7, 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 6 जा, तो k की वैल्यू आ गई 6. दिस इज आवर आंसर, x is equal to 6, बराबर है. तो m और n की वैल्यू भी निकाल ली अपन ने इधर, ठीक है, और के भी निकले. ये ऐसा लिखना जरूरी है, हाँ ठीक है, फॉर्म है उसका लिखने का, समझा सम. चलो फटाफट ओवेज और केसर फटाफट स्टैंप ले लो और फटाफट सॉल्व करो, ठीक है. इससे क्या तुम लोग का एक एक सम होता भी चला जाएगा ना.
टाइम तो उतना ही जाएगा और अभी का छाप भी पाएगी वो 3x4 वाला ही चाहिए नशरा अपने को क्या 3x4 वाला ही चाहिए उसमें कोई ढूंढना सस्ता वाला फ्लिपकार्ट देख ना 1500 के अंदर कोई है क्या चार फीट कितना आएगा इतना आ जाएगा इतना तो वही तो ना लेकिन बहुत महंगा है फिर या रीजा की बहन फीस देगी ना तो उससे ही मंगवा लेना बैग में डाल लो लिफ्ट बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एंड एंड में ना काम आती है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आती है सारी चीज़ें तुम लोग को आ रहे समझ रहे सारी चीज़ें केसर और पेसर को भी समझ रहा होगा बहुत महंगा है ना प्लस यहाँ पे ना कहीं मिल नहीं रहा है मसला ये है अभी नहीं अभी चाहिए तो अभी कम बच्चे ना आज तो इसी पे काम चला लेते हो एक दो महीना रुक के मंगवा लेना क्योंकि 3 feet x 2 feet का कितने का मालूम है 1800 का क्या माँ कसम और जो मैंने बताई थी 3 feet x 4 feet तो अलग कितना है 2500 का था ना 2000 का था नहीं 2500 का था 2 का था इसके स्टैंड भी ले आएंगे रे अपन तो स्टेशनरी खुल जाए ना बस 4 बज गया खाना खा ले तू मेरे को तो टाइम लग जाएगा मेरे को शायद टाइम भी नहीं मिलेगा है निश्चित चलो नेक्स्ट करते ले वाली पकड़ो चलो छठे वाले पे देखते हैं छठे वाला तुम लोग करोगे ठीक है छठे वाले का अगर मैं कंसेप्ट सिखा दूं तो छठे वाले पे कंसेप्ट में उसने क्या बोला है मालूम कि फाइंड द मिड पॉइंट फाइंड द मिड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट समझो एक सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को जॉइन कर दिए ठीक है अपन कोई भी ले लेते ए ले लेते बी ले लेते ठीक है पहले वाले का दिया है 22.20 और दूसरे वाले का दिया है 0.16 अब हो रहा है यहाँ पे मिड पॉइंट एम ले लिया मैंने फिलहाल एक्स कॉमा वाई ले लेता हूँ इसको ये निकाल के दो ये निकालना कोई बड़ी बात है अपने लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला मारो ये बन जाएगा मेरा एक्स वन वाई वन और ये बन जाएगा एक्स टू वाई टू मिड पॉइंट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है मेरे को बराबर है ते वाला सम मैं नहीं करा रहा हूँ चाहिए तो केसर अब भी स्नैप ले ले ये सम का ठीक है छठा वाला सम है ये ठीक है अब आ जाता हूँ एक नए कंसेप्ट पे थर्ड फॉर्मूले पे ठीक है बस एक लास्ट फॉर्मूला है जिसपे सारी एक्सरसाइज बेस्ड है बेटा वो वाला घर मालूम है ना तो निकल ठीक है चलो कैसा ले लिया होगा स्नैप अगर ठीक है वैल्यूज डाल दिया हूं मैंने मेरे को आंसर निकाल के दोगे ठीक है आंसर चाहिए ना तो इसके आंसर में बता देता हूँ इसका आंसर आ रहा है 11.18 ठीक है
ये आंसर आ रहा है इसका, ठीक है? तो इसका आंसर तुम लोग मेरे को निकाल के दोगे। चलो सातवें वाले पे आ जाता हूं, उससे पहले मेरे को एक कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है? एक लास्ट फॉर्मूला, ठीक है? मैं भूल गया था, मेरे को लगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, बट इसी एक्सरसाइज में वो, ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला समझा, मिड पॉइंट फॉर्मूला समझा, अब आ जाते अपन सेंट्रोइड फॉर्मूले पे। अब बोलेंगे भाई ये सेंट्रोइड होता क्या है? पहली बात तो अभी सेंट्रोइड मालूम है, सेंट्रोइड क्या होता है समझो, तीन लाइन है, एक लाइन अज्यूम, अच्छा चलो अब थोड़ा सा ना लॉजिकली सिखा देता हूँ, ट्रायंगल होता है ना सेंट्रोइड, एक थोड़ा सा और ज्यादा लॉजिकली सिखा देता हूँ। इधर देखो, सिर्फ इधर देखो, समझो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है? डॉटेड मैंने जानबूझ के बनाया हूँ, ठीक है? समझो यहां से एक लाइन गुजर रही है ऐसी, इसका कोऑर्डिनेट फिलहाल नहीं मालूम है मेरे को, बाद में बताऊंगा कोऑर्डिनेट, कुछ भी ले लेंगे अपन, एक ऐसी और एक ऐसी, समझो इधर मैं ले लेता इसका कोऑर्डिनेट 3 और ये 2 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 3.2 बराबर है, वैसे -2 होगा, सही है? समझो ये यहाँ पे आया है तो ये होगा, इसको भी 3 ले लेता हूँ तो 3.0 होगा, सही है? और ये इसको भी -3 ले लेता तो ये बनेगा -3.-2, समझा? हाँ, अब ये जो एक ट्राइंगल बनाई, जो तीन लाइन, समझो इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको इन पॉइंट्स को, ठीक है? इन पॉइंट्स को, ठीक है? तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के बीच में, एकदम बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, बराबर है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या दूसरी भाषा में बोलेंगे तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोइड। ये ट्राइंगल का एकदम सेंटर होगा, अगर नाइन्थ याद होगी ना तो अपन ने यही सेंट्रोइड यूज करके GM सर्कल बनाए थे, याद है? यही सेंट्रोइड यूज करके अपन बनाते थे सर्कल, याद है? ऐसा एक सर्कम सर्कल याद है नाइन्थ में, तो यही सेंट्रोइड अपन यूज करते थे, वो जो तीन लाइन मारते थे याद है, वो लाइन से आता था ये, बराबर ये बाइसेक्टर मारते थे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? तो ये पॉइंट मिलता था, वो पॉइंट से अपन सर्कल बनाते थे जो ऑब्वियस का हमेशा गलत आता था, बराबर है? तो वो पॉइंट इज बेसिकली सेंट्रोइड। तो अब 2:1 ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, तो ये सेंट्रोइड निकालने का एक फॉर्मूला है, सेंट्रोइड निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है? ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको रब आउट करता हूं, कॉन्सेप्ट समझा सेंट्रोइड क्या होता है? हाँ, एक ग्राफ बना के मैंने तुम लोगों को समझा दिया, सही है? सेंट्रोइड समझा क्या होता है, वो कहीं पे भी आ सकता है ट्राइंगल, वो कहीं पे भी आ सकता है ट्राइंगल, बराबर है? अच्छा, और अक्कल लगाओगे तो इसमें तीन चीज यूज होगी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सही है? पक्का? चलो तो अब आ जाते हैं अपन एक नए फॉर्मूले पे, वो नया फॉर्मूला है अपना सेंट्रोइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रोइड फॉर्मूला? सेंट्रोइड फॉर्मूला एकदम चिंदी है, एकदम सेम मिड पॉइंट फॉर्मूले की तरह है, बस मिड पॉइंट में 2 है ना, सेंट्रोइड में 3 आएंगे। एक्स की वैल्यू रहेगी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है? चलो y के लिए भी देख लो क्या रहेगा, y1 y2 y3 अपॉन 3, हो गया, देन सेंट्रोइड फॉर्मूला, सही है? हाँ, पक्का? चलो सम सॉल्व करते फिर। चलो देख लेते हैं, सम नंबर है अपना 7 का फर्स्ट वाला कराऊंगा, और 7 में 3 सम है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का तुम लोग को मिल गया होमवर्क, सेकंड और थर्ड, सही है? सही है? चल क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला मैं करा रहा हूं, ठीक है? बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स हूज वर्टाइसेस आर, ठीक है? बोल रहा है उसने एबीसी तो दिया नहीं है, लेकिन अपन एबीसी लेके चल सकते हैं, हाँ, ठीक है? नहीं लो तो भी कोई कंसर्न नहीं है, -7.6 है, 2.-2 है, और 8.5 है, ठीक है? तो अलिफ
एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री सही है। चलो करते सॉल्व। x का निकालने का है कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 सही है। तो x का कोऑर्डिनेट x1 क्या है मेरे पास माइनस सेवन प्लस टू प्लस एट अपॉन 3 माइनस प्लस तो माइनस फाइव प्लस एट रहेगा प्लस 3 हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अपॉन में 3 भी है ना तो 3 अपॉन 3 एक्स की वैल्यू आ गई सही है। वैसे दो स्टेप में करना पहले इन दोनों को सॉल्व करना बड़े नंबर की साइन लिखना नहीं भूलना नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग बड़े नंबर की साइन लिखना भूल जाते तो 13 अपॉन 3 कर देंगे उसको ठीक है। चलो y y1 y2 y3 अपॉन 3 तो क्या है 6 प्लस 6 माइनस 2 कर देता हूं डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस ही होने वाला है प्लस 5 अपॉन 6 में से 2 गया तो 8 8 प्लस 5 नहीं 6 में से 2 गया तो 4 4 होगा 9 अपॉन 3 तो y की वैल्यू 9 अपॉन 3 y की वैल्यू 3 3 ना आंसर इज डन। तो अपने पास क्या मिला सेंट्रोइड का x, y इज इक्वल टू 1, 3 डन आंसर समझा पक्का। तो ये पहला सम था ऐसे ही दो सम और है ठीक है। तो सेकंड और थर्ड तुम लोग करना ठीक है। चलो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे फिर डायरेक्ट ठीक है। उससे पहले तुम लोग फटाफट ओवेज और केसर स्नैप ले लो ठीक है। तुम लोग दोनों स्नैप ले लो फटाफट और सम सॉल्व करना ये वाला ठीक है। केसर मैं तेरे को फोटो भेज दूंगा अभी मैं पूरी एक्सरसाइज का फोटो भेज दूंगा ठीक है। चलो ले लिया होगा लोग ने स्नैप तुम लोग अपना करो। क्या हुआ दिस कोई प्रॉब्लम है समझ रहे हैं सारी चीजें इजीली जा रहे हैं ना मेरे को भूख बिल्कुल भी नहीं लगी तो जाके खा लेना पापा। मैं ट्यूशन छोड़ूंगा तब खाऊंगा और मैं ट्यूशन 6 बजे छोड़ूंगा तो लेट मत करना। मजा आ रहा है पढ़ाने ये 7 के 3 दो बाकी के दो सम करे ना बुम्बा के 7 के दो सम पहला मैंने कराया अभी दूंगा वो टाइम करने के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी एकदम चिल्ली है लेकिन उसके बाद 90 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना भाई साहब वो क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मेरे को पूरा बोर्ड लगेगा तो मिटाना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। चलो फटाफट करो चलो नेक्स्ट करते चलो सम नंबर 8 बहुत सिंपल सम है बहुत इजी सम है ठीक है। बस यही एक यही चीज पे बेस्ड है ठीक है। चलो
क्या बोल रहे हैं मालूम, सब नंबर एट में बोल रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी। देखो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ तुम लोग को कि भाई समझो मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। बोल रहे हैं जी इज द सेंट्रोइड, मतलब यहाँ पे बीच में कहीं आएगा जी, और ये जी सेंट्रोइड गिवेन है, ठीक है। बोल रहे जी का कोऑर्डिनेट है -4, -7, ठीक है। बोल रहे इफ ए का कोऑर्डिनेट है -14, -19, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है 3, 5 और सी का कोऑर्डिनेट है नहीं नहीं मालूम है, x3, y3 लिख देता सही है। ये बनेगा मेरा x, y, ये x2, y2 और ये x3। सबको समझ गया x1, y1 सबको समझ गया होगा, मेरे को सी का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है, बराबर है। मतलब पुराने क्वेश्चन में उसने अपने को ये तीन चीज दिया था, ये पूछा था। इस क्वेश्चन में वो ये तीन चीज दे रहा है और ये पूछ रहा है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बराबर है। चलो आ जाते हैं, सम सॉल्व करते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 x2 x3 upon 3, बराबर है। x क्या है, -4 है, इज इक्वल टू x1 क्या है, लीजो बोलो फटाफट, -14 + 3 + x3 upon 3। तो 3 उधर भेज दू, -12 हो जाएगा, -11 बराबर है, +x3 -11 उधर भेज दू, तो -12 + 11 इज इक्वल टू एक्स -1 तो x3 की वैल्यू आ गई -1। सिंपल y करू, चलो y1 y2 y3 upon 3 सही है। चलो तो y क्या है मेरे पास, -7, y1 इज -19, y2 इज 5, y3 अपॉन में 3 उधर भेज दू, -21 कर देगा, सही है। -19 + 5 - 14 + y3 सही है अलिफ, -21 + 14 इज इक्वल टू y3 बराबर है। चलो माइनस प्लस माइनस बराबर है, कितना बचेगा, -8 - 7 तो y3 का वैल्यू आ गया -7 बराबर है। तो c का कोऑर्डिनेट x3, y3 विच इज इक्वल टू c का कोऑर्डिनेट -1, -7 हो गया, डन सॉल्व। ओएस केसर फटाफट स्नैपशॉट ले लो और सबको सॉल्व करना शुरू करो। चल अलीफ रख ले फटाफट, तू भी सॉल्व कर। क्या हुआ, हाँ तो पेट भर के खाने लायक है, इसीलिए मैंने एक सालों किया, जैसे कल मैंने पाव भाजी खाई थी दोपहर की बासी। अलीफ छाप के नहीं, अपने से कर, ट्रायंगल बना दो। अलीजा देख कैसे अपने से कर दिए, टेक्सटबुक हाथ में रख के अलीजा टॉप मारेगी। ये बार अगर अलीजा की मेरे को कंप्लेंट आई, मैथ्स के सर ने अगर कंप्लेंट किया, देख लेना। अगर कोई है पहचान में आना चाहता है ट्यूशन तो प्लीज इन्फॉर्म करना, ठीक है। अलीजा तुम्हारे भी पहचान में, अलीफ तुम्हारे भी पहचान में, अलीजा तुम्हारे पहचान में है कोई टेंथ का, कोई भी नहीं है तुम्हारे कंपटीशन में, मिशकात को छोड़ के एक महीने पे भी कोई नहीं है टेंथ में अभी।
कुत्ते तो बच्चे हाँ, लेकिन कोई जा नहीं रहे। नहीं कंपटीशन में है कि नहीं है? नहीं बातचीत नहीं है। लफड़ा हुआ है हाथ रहे, मतलब लफड़ा हुआ है? लफड़ा नहीं आया, लोग निकलते हैं लोग काम में, पता नहीं क्यों निकलने नहीं देते लोग को। साहिल की बहन है वो, टेंथ में साहिल की बहन अभी नहीं, वो तो हो गई ना सना की। एक महीने बाद आएगा रिजल्ट। आज कितनी तारीख है? पिछले साल 8 जून को रिजल्ट आ गया था टेंथ का, पर अभी एक महीना पोस्टपोन हो गया। स्कूल खुलेगी? स्कूल जुलाई में खुल जाएगी। चलो हो गया, करते नेक्स्ट। पेटिशन फाइल कर रहे सब पेरेंट्स कि नो स्कूल अंटिल वैक्सीन। हाँ तो कितने 24 घंटे में 2-3 लाख पेटिशन साइन हो गए। मेरी मम्मी बोले हम लोग भी साइन करेंगे। वो नो वैक्सीन नो स्कूल वाला ना? मतलब जीरो केस नहीं होते तब तक। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अपना काम है पढ़ने का, क्योंकि अपने को टेंथ में टॉप। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइजेस ऑफ अ ट्रायंगल। चलो देख लेते हैं, मतलब अगेन एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी ये तीनों वर्टाइसेस है, ठीक है। जी इज द सेंट्रॉइड दिया हुआ है। बोल रहे ए का कोऑर्डिनेट है x, -6, बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3, सी का कोऑर्डिनेट है -6, k, ठीक है। और बोल रहे जी का कोऑर्डिनेट है 1, 5। बोल रहे फाइंड एच एन के, मतलब ये निकालना है और ये निकालना है। कुछ नहीं करने का, अगेन वही फॉर्मूला लगाने का, कोई नई चीज तो यूज होने वाली है नहीं, उतनी अक्कल तो अपने को है, बराबर है। तो लगाओ फटाफट नया फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 + x3 / 3, बराबर है। चलो लिख लेता हूं, x1 y1 x, y x2 y2 x3 y3, बराबर है। तो h + 2 - 6 बराबर है अपॉन 3, और x की वैल्यू क्या है 1, बराबर है। 3 उधर भेजा तो 3 बनजा 3 रहेगा, 2 - 6 - 4, h माइनस 4। हमजा कुरेशी, अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये देख रहा है क्या? अरे मिशकात को दिखा सकता है हमजा, कोऑर्डिनेट करा रहा हूँ मेरे को। अब तुम लोग पहले बोले होते तो मिशकात को भी मैं ऑनलाइन लेक्चर ले सकता था। ओवेज और कैसर ऑनलाइन लेक्चर पे है हमजा, अगर ऐसा कुछ है मिशकात को ऑनलाइन लेक्चर लेने का तो मेरे को बोल देना, फोन कर देना। चलो ये समझा, माइनस फोर इधर भेज दू तो 3 + 4 = h, h की वैल्यू हो जाएगी 7। देखो निकल गया, कितनी सिंपल निकला, बराबर है। चलो y का लगाऊंगा तो k की वैल्यू निकल जाएगी। चलो y की वैल्यू क्या है? y1 + y2 + y3 / 3, बराबर है। चलो हाँ तो भाई लिखा, k की वैल्यू क्या रहेगी? मेरे को फोन करना हमजा 6 बजे के बाद, ठीक है। आफ्टर 6 कॉल मी, अगर लेने का है तो आफ्टर 6 कॉल मी, ठीक है। चलो 5 = y1 क्या है मेरे पास? -6 + 3 + k / 3, 3 × 5 = 15, -3 + k, बराबर है। -6 + 3 - 3, अब 15 + 3 हो जाएगा 18 k, तो k की वैल्यू आ गई 18। कितना सिंपल सम था, कितना ज्यादा सिंपल सम था, वो तुम लोग मेरे को बोलो, कुछ भी नहीं करना था। बोल रहे बड़ा नहीं, ये आएगा 10वां सम, 10वां, 11वां, 12वां, तीनों सम में से एक जो क्वेश्चन है ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि बोर्ड्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन दिमाग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, 10 के लिए मैं फॉर्मुलेज मिटाऊंगा, ठीक है। ट्राइसेक्शन,
हमजा को कैसे मिला मेरे चैनल का लिंक? शायद इसने सब्सक्राइब किया था ना यूट्यूब पे, गया और तो लाइव आया होगा। सब्सक्राइब कर ले। तो आप पहले करा था उसने सब्सक्राइब बीच में। अल्लाह हो गया। नेक्स्ट के लिए मेरे को सारे फॉर्मूलेज मिटाने पड़ेंगे। हाँ जल्दी जल्दी करो, 3 सम बाकी है, 4:30 हो गए है। के हाथ तो इतने स्लो चल रहे हैं। चलो ले ओ। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मालूम? ट्राई सेक्शन बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब उधर 3 सेक्शन हो गए। ट्राई का माने होता है 3। सेक्शन का माने तुम लोग को मालूम है। ट्राई सेक्शन माने 3 सेक्शन होंगे। सिंपल सी बात बराबर है। मतलब एक लाइन रहेगी, ठीक है, जिसमें एक पार्ट इधर रहेगा, एक पार्ट इधर रहेगा, और इनके बीच में 3 हिस्से हो गए। बराबर है, सही बात है। चलो तो समझो यहां पे और यहां पे हो गया ट्राई सेक्शन। 1, 2, 3। इसको ऐसा नहीं मारता, इसको पॉइंट देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। चलो नाम देता हूं मैं फटाफट। समझो इधर ए दे दिया, इधर बी दे दिया, इधर पी दे दिया, इधर क्यू दे दिया। तुम लोग कुछ भी दे सकते हो। अब ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए, ये होता है ट्राई सेक्शन। क्या होता है? ट्राई सेक्शन, ठीक है। इसके नेक्स्ट सम में जाओगे तो वो 4 सेक्शन देगा। उसके नेक्स्ट सम में जाओगे वो 5 सेक्शन देगा। 4 सेक्शन 5 सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, वो बोलेगा 4 इक्वल पार्ट 5 इक्वल पार्ट। जबकि 3 रहेंगे तो ट्राई सेक्शन बोलेगा, ठीक है। तो ये फर्क है सब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन। तो ये और ये कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। कौन से? क्यू के और पी के निकालना है, ठीक है। ए और बी का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है। बोल रहे ए का 2.7 है और बी का -4.-6 है। चलो कोई लॉजिक अलिफ जिससे मैं क्यू निकाल सकूं या पी निकाल सकू। सेक्शन फॉर्मूला नहीं मार सकता अपने को, एक ही निकालना है। तो बी क्यू निकाल लो पहले, फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता। क्यू कैसे निकालूंगा? पी को भूल जाओ। पी को भूल जाता हूँ, वेरी गुड, ही इज वेरी राइट। पी को भूल जाओ, चलो समझो यहाँ पे पी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट डाल के मैं बस छोड़ देता हूँ। अब कोई लॉजिक, अब थोड़ा सेक्शन फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। यहाँ पे समझो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसको ऊपर लिख लेता हूँ लगे तो मैं, ठीक है। चलो अभी नीचे से देखो। तो अभी 3 हो गए ना, तो ये x1 y1, ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा, और qx और y बन सकता है। सही है, qx और y बन सकता है, बराबर एकदम। समझो ये x1 y1 बना,
ये x कॉमा वाई बना और ये x2 कॉमा वाई टू बना, फिर भी ना सेक्शन फॉर्मूला मारने के लिए मेरे पास m और n नहीं है, दो अननोन चीज काम नहीं करेगी, ये भी अननोन है x कॉमा वाई। अगर मेरे पास ये सेक्शन होता m कॉमा n या m रेशियो n, तो मैं ये q की वैल्यू निकाल सकता था, बराबर है। क्या करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो काम ही नहीं आएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, ए और बी का मिड पॉइंट नहीं है क्यों, ना पी मिड पॉइंट है, तो वो तो काम आएगा ही नहीं। मैं सेक्शन फॉर्मूला ही मारूंगा, लेकिन मैं पहले निकालूंगा एम और एन की वैल्यू। अब एम और एन की वैल्यू निकलती कैसे, इधर चेक करो। देखो अभी ना मैं फिलहाल पी नहीं निकाल, क्यों नहीं निकालता हूँ, पी निकालता हूँ पहले, ठीक है, क्यों नहीं निकालता हूँ मैं ना पी निकालता हूँ, ठीक है, पी से थोड़ा सा इजी पड़ेगा, समझो ये x कॉमा वाई है, अज्यूम करो, और इधर q है जो कि वैल्यू मेरे को अभी मालूम नहीं है, p को मैंने x कॉमा वाई लिया, ठीक है। चल देखो एक बात मालूम है, AP is equal to PQ और PQ और QB तीनों इक्वल है, लिख दो फटाफट कि भाई AP is equal to PQ is equal to QB, सही है। ऐसा भी कर सकते हो, BQ is equal to QP is equal to PA, कोई मैटर नहीं करेगा। अब मेरे को निकालना है ये अपॉन ये, Q को तो भूल जाना है ना, 1/2 कैसे बनेगा, let us see, Alif is right, 1/2, बट कैसे बनेगा उसको मैथमेटिकली अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। Alif सही बोल रहा है, ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू 2 होने वाला है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, बराबर है, बट कैसे सॉल्व करने का, इधर देखो मैं निकालूंगा AP अपॉन PB, क्या निकालूंगा, AP अपॉन PB, तो PB तो ऊपर PB PQ और AP अपॉन PB निकाल रहा हूं, ठीक है, AP को वैसा का वैसे ही रखूंगा, PB को लिखूंगा PQ प्लस QB, लेकिन PQ और QB दोनों किससे इक्वल है, AP, तो मैं AP अपॉन PB को AP अपॉन AP प्लस AP लिख सकता हूँ, सही है, पक्का, चलो तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन 2AP, AP 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 अपॉन PB का आंसर क्या आ रहा है, 1/2, सही है, अब सिंपल है, हाँ पक्का, देखो AP 1 आ गया और PB 2, m 2 है और n 1, सही है, तो m की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, अब समझा लॉजिक, चलो मतलब अपने को यहाँ पे m रेशियो n की वैल्यू 1:2 मिल गई, सही है। अब मारो सेक्शन फार्मूला, चलो तो सेक्शन फार्मूला मारने के लिए x का फार्मूला क्या है, देखो बोला था ना m प्लस n अपॉन m प्लस x2 और x1 बराबर है, चलो x का वैल्यू क्या रहेगा ये निकालना है ना, बराबर है, x1 क्या है मेरे पास, सबसे पहले m, m क्या है मेरे पास 2, x2 क्या है मेरे पास 2, n 1 है, x1 क्या है मेरे पास -4 अपॉन 2+1, वो तो मैं इधर ही देख लेता हूँ, सही है, चलो तो 2 2 4 -4 2+1 3 बराबर है, अब ये होगा 0/3 विच विल बी 0, एक्स का वैल्यू आ गया 0, सही है, उसी तरह से वाई का वैल्यू निकालना है, बराबर है, चलो वाई का निकालता हूँ, वाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, चलो y2 सबसे पहले देखो y2 क्या है, m क्या है मेरे पास 2 और y2 7 है ना, प्लस n क्या है मेरे पास 1 और y1 क्या है मेरे पास -6 अपॉन 2+1 बराबर है, तो 2 7 14 -6 अपॉन 3 8/3 मैंने यहाँ पे शायद वैल्यू गलत लिखा हूँ, -4, -8 है B का, -8 है,
ठीक है, तो बस यहाँ पे हो जाएगा माइनस एट, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के बाद, तो सिक्स अपॉन थ्री आया, थ्री वन जर थ्री टू, तो वाई की वैल्यू आ गई टू, तो मतलब जीरो कॉमा टू बना पी का, पी का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, पी का कोऑर्डिनेट बन गया जीरो कॉमा टू, बराबर है। चल तो पी का लिख लेता हूँ जीरो कॉमा टू टू, बराबर है। अब सारी चीज भूल जाओ, जो काम मैंने ऐसे किया था तो ये वन और टू आया था, वो काम मैं ऐसे करूंगा तो ये वन आएगा और ये पूरा टू आएगा, बराबर है, सही है। तो चलो अब इसको मिटा देता हूँ, एक्स कॉमा वाई, अपने को बी क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू पे निकालना है एक्स कॉमा वाई, बराबर है, क्यू अपॉन क्यू ए, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो ऐसे ही पूरा, हाँ कि सॉल्व करने, चलो ठीक है कर लेता हूँ, बी क्यू अपॉन क्यू ए मतलब ए क्यू अपॉन क्यू भी लेते हैं, उल्टा जाते हैं, टू अपॉन वन दे देगा वो, कोई मैटर, चलो बी क्यू अपॉन क्यू ए लेके करते हैं, अलिफ जैसा बोला, बी क्यू अपॉन क्यू ए, बी क्यू ऐसी रखूंगा, क्यू ए को लिखूंगा क्यू पी प्लस पी ए। अच्छा एक और बात, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत करो, ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट में तो उसने करा हुआ है बट किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्यों मालूम, चेक करो बी पी पे, बी का भी वैल्यू है मेरे पास, पी का वैल्यू भी है मेरे पास, और क्यू दोनों के मिड पॉइंट में लाई कर रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्यू सेक्शन मारू मैं, देयरफॉर बाय, उसने डाइजेस्ट में सेक्शन मारा हुआ है, ठीक है, बट मिड पॉइंट से भी आंसर आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर है। ये बन जाएगा मेरा एक्स वन वाई वन, ये एक्स कॉमा वाई, और ये एक्स टू वाई टू, लॉजिक समझा इसका, ये तुम लोग कुछ भी मार सकते हो, अगर वैसे करके सेक्शन मारोगे ना तो भी वही आंसर आएगा, थोड़ा बड़ा होगा, हाँ वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करा करो, इन दोनों के बीच में ये बंदा मिड पॉइंट पढ़ रहा है, देख लो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, अगर पी निकाल चुका हूं मैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्यू निकल जाएगा। चलो एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, बराबर है। चलो तो एक्स वन क्या है माइनस फोर, प्लस एक्स टू क्या है जीरो अपॉन टू, मतलब एक्स माइनस फोर अपॉन टू, टू वन जा टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू, हो गया टेन, माइनस टू परफेक्ट आ रही है, उससे सेक्शन मारा हुआ है, सही है। चलो वाई, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वाई वन क्या है मेरे पास माइनस एट, और वाई टू टू है, माइनस सिक्स अपॉन टू, y की वैल्यू आ रही है माइनस थ्री, परफेक्ट, तो q मिल गया टू माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, आंसर इज ओवर, कैसा समता, हाँ बस शुरुआत का ये जो पार्ट था ना इतना ये इंपॉर्टेंट था, m रेशियो m, इधर मैंने क्या किया था ap अपॉन pb निकाला था, फिर pb को मैंने pq प्लस क्यू भी लिख दिया था, बराबर है, फिर पी क्यू और क्यू भी दोनों तो एपी से इक्वल थे, तो उसकी जगह पे एपी लिख दिया, जो टू एपी हो गया था, एपी एपी कटा, तो एपी अपॉन पीबी का वैल्यू आ रहा है वन अपॉन टू, मतलब इतना हिस्सा एपी वन है और पीबी टू है, तो एन की वैल्यू वन मिली और एम की वैल्यू टू मिली, सेक्शन फॉर्मूला मारा, वो कोई डिफिकल्ट नहीं था सेक्शन, उसके बाद मिड पॉइंट मार दिया, समझा ट्राई सेक्शन का पक्का, तो ट्राई सेक्शन में याद रख लेना है, एक बार सेक्शन मारना है और एक बार मिड पॉइंट मारना है, ठीक है। ओवेज और कैसर फटाफट फोटो ले लो, पूरा फोन पे आ रहा है ना बराबर आंसर, थोड़ा सा पीछे ले, हाँ बस अब ले लो स्नैपशॉट ले लो फटाफट कैसर और ओवेज, और उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो तुम भी रख दो लिस्ट, उसको कैमरा सामने कर, चलो फटाफट सॉल्व करो वाले सम को, बस क्या दिख रही है, बहुत
आराम से अली, कोरोना मत फैलाओ अली। से तू मिल गई लीजा, क्या है यार लीजा? रेविजन किया नहीं, ठीक है लेकिन कैसे दूर चले जा रहा चलो हो गया। अलीजा छाप लिए, जल्दी छापो। अच्छा मैं एक बात बता, एम के तो वन है ना? क्या ये जो है ये एम तो वन है ना, तो आपने तो टू की लिखी। अच्छा गलत कर दिया क्या मैंने कहीं? हाँ, नहीं 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 एन वन है ना बेटा, एम तो टू है, एम टू है ना, टू अपॉन ऐसा क्या था ना, मैं ए पी तो ए पी वन है ना, तुमने इधर वन ले लिए क्या बीपी पे? समझे, उल्टा गए थे ना अपन। अरे मेरे को सीधा जाना चाहिए था, मैं डाइजेस्ट के उससे चला गया। हो गया ना केसर, एक मिनट होल्ड करना। हाँ बेटा इल्लो का हो जाने दे, तो मैं आगे कराता हूँ। फोर सेक्शन वाला आएगा अभी, ट्राई सेक्शन हो गया ना, फोर सेक्शन वाले में अलिफ मेरे को दिमाग बताएगा क्या करने का। समझ रहे ना केसर? ओवेस वॉचिंग तो एक की आ रही है, ओवेस का लगता है कि नेट गया क्या? चलो चलो जल्दी से। अलीजा केसर का कैसे हो गया फटाफट बोलो, उसने छापा होगा? हाँ स्क्रीन पे देख के कर लिया यार। अब तुम्हारे सामने बोर्ड है। मैं भी कर रही हूँ, जल्दी करने के लिए। हो गया चलो। नेक्स्ट वाला अपन करेंगे फोर इक्वल पार्ट्स वाला, ठीक है? दैट इज अ फोर सेक्शन, बट ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए फोर इक्वल पार्ट बोलेगा वो। अब वो कितने भी इक्वल पार्ट देते तुम लोग कर लोगे, इजीली कर लोगे। फोर पे तो अलीफी मेरे को लॉजिक बताएगा सर कैसे होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11। फोर इक्वल पार्ट वाला है। चलो जाहिर सी बात है, अगर फोर इक्वल पार्ट्स देखने का है तो ये रही मेरी लाइन, ठीक है? यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट मिडल में, इन दोनों के मिडल में एक पॉइंट, इन दोनों के मिडल में एक पॉइंट, एक दो तीन चार है ये, 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 चारों के चारों
इक्वल है, बराबर है, दिस इज फोर इक्वल पार्ट्स, बराबर है। चलो ए बी दिया हुआ है, ए इतना है बी इतना है, ठीक है। अब डायरेक्ट लाइन से कर रहा हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। -14, -10 और 6, -2, ठीक है। चलो नाम दे दो सबको, पी क्यू आर दे देता हूं, ये पी रहेगा, ये क्यू रहेगा और ये इनका ही कोऑर्डिनेट ऑफकोर्स अपने को निकालना है। पुराने सब में भी वही जो बीच में पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, ठीक है। कोई लॉजिक, अलिफ पी निकलेगा कैसे? पी मिड पॉइंट से निकलेगा, मिड पॉइंट से निकलेगा। क्यू नहीं मालूम है तो पी कैसे मिड पॉइंट से निकलेगा? पी और क्यू का मिड, ए और क्यू का मिड पॉइंट है ना पी। अलीजा तो पहले क्यू निकालते, क्यू कैसे निकलेगा? ए और बी दिए। वेरी गुड, ही इज वेरी राइट। चेक कर लो, दो और दो है ना, तो क्यू मिड पॉइंट बन गया ए बी का। ए बी का एक बार क्यू निकल जाएगा, फिर ए पी निकल सकता है, ए क्यू से पी निकल जाएगा, बी क्यू से आर निकल जाएगा। तो फोर्थ इक्वल पार्ट सबसे इजी है, सिर्फ तीन बार मिड पॉइंट, एक बार इसके लिए मिड पॉइंट, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, बस फिर आंसर आ जाएगा अपना। तो अपने को वो सब कांड नहीं करना पड़ेगा, ए पी इज इक्वल टू वो वाला, वो फाइव वाले में करने करेगा। तो जो भी इवेंट पे आएंगे ना वो वाले सारे मिड पॉइंट से निकलेंगे, समझा? चलो करते फटाफट। चलो तो सबसे पहले अपने को निकालना है क्यू का, ये वाला बंदा बना एक्स वन वाई वन, ये वाला बंदा बना एक्स कॉमा वाई, और ये वाला बंदा बना एक्स टू वाई। सही बात है अलीजा, अलीफ। चलो तो एक्स का फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, सही बात है। चलो तो x इज इक्वल टू एक्स वन क्या है मेरे पास, -14 + 6 अपॉन टू, कितना हो गया -8 अपॉन टू, -4, x की वैल्यू हो गई -4, y निकाल लू, y1 + y2 अपॉन टू, तो y आएगा, y1 क्या है मेरे पास -10, y2 क्या है -2 अपॉन टू, प्लस माइनस विल गेट माइनस, तो -10 माइनस माइनस विल प्लस, तो 10 और 2 12, बड़े नंबर की साइन माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -6, बराबर है। तो अपने पास q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -4, -6 ना बेटा, -4, -6। चलो तो x, y हटा सकता हूं मैं, सही है। अब ये बन जाएगा x1 y1 और ये बन जाएगा x2, तब p निकलेगा मिड पॉइंट से, बराबर है। चलो ठीक है, चलो और ये बन जाएगा x, y, सही है। चलो तो x की वैल्यू क्या है, x1 + x2 अपॉन x क्या रहेगा, x1 क्या है मेरे पास -14 -4 अपॉन टू, प्लस माइनस माइनस होता है ठीक है, इसीलिए -18 अपॉन टू, इसकी वैल्यू आ गई माइनस हो गया y1 + y2 अपॉन टू, y1 क्या है मेरे पास -10 -6 / 2 -16 / 2 -8, y की वैल्यू आ गई माइनस, तो -9, -8 सही है। -9, -8 सही है। x, y हटा दे रहा हूं मैं, अभी क्यू x1 और y1 बन जाएगा, जाने देना इसको, x1 y1 बना लेता हूँ मैं, लगे तो किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं, इसको भी बना लो, इसको भी बना लो, किसी को भी बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये वाला बंदा बनेगा x, y, सही है। चलो इसमें लगता है x की वैल्यू x1 + x2 / 2 बराबर है, मतलब 6 बराबर है 6 - 4 / 2, तो क्या आएगा 2 / 2, x की वैल्यू आ गई 1 बराबर है। चलो नेक्स्ट y1 + y2 / 2 बराबर है, -2 - 6 / 2 -8 / 2 -4 -4 तो अब ये क्या निकला, r निकला ना, r का क्या कोऑर्डिनेट आ रहा है 1
और परफेक्ट, फटाफट सॉल्व कर लो अपनी किताबों में। ओवेज और केसर फटाफट स्नैप ले लो, ठीक है। चलो तुम लोग के लिए देखो, मैंने थोड़ा सा इतना पीछे कर दिया, बराबर से एक स्नैप आ जाएगा। स्नैप ले लो और सॉल्व कर लो उसको। सिंपल था ना फोर सेक्शन वाला तो, बहुत इजी। हमेशा याद रखना, थ्री सेक्शन है ना तो बीच में दो पॉइंट आएंगे, फोर सेक्शन है तो बीच में तीन पॉइंट, फाइव सेक्शन है तो बीच में चार पॉइंट। जियो का 1.5 GB खर्चा हो जाएगा रे सबका, जियो रहेगा तो उन लोग का ओवेज़ का। मेरे भी फोन में लेकिन इस सब से एक ही अब से स्ट्रीम चल रही है, एक ही स्ट्रीम चल रही है, एक ही स्ट्रीम पे सब आ जाएगा। चलो हो गया क्या केसर, हो गया तो कमेंट कर। ओवेस तो पता नहीं गुल है, उसके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, क्या नहीं है क्या मालूम। आई आई दो की वॉचिंग, आई ओवेस आ गया। ओवेस चलो हो गया। अलीजा उठा लो। अब फोर की जगह क्या देगा अपने को, फाइव इक्वल पार्ट्स। लास्ट सम किस एक्सरसाइज का, बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, फाइव
इक्वल पार्ट्स सही है। चलो देख लेते फटाफट, समझो ये ए है और ये बी है, बराबर है। अच्छा मैंने बताया था चार पॉइंट बनेंगे, थ्री इक्वल पार्ट है तो दो पॉइंट बना, फोर इक्वल पार्ट है तो तीन पॉइंट बना, तो फाइव इक्वल पार्ट है तो चार पॉइंट बनेंगे। एक दो तीन चार, बराबर है। एक दो तीन चार पांच, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है। चलो ये बंदा सबके सभी इक्वल है, सही है। चलो नाम दे देता हूं मैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस अलिफ। ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 20, 10, बी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 0, 20। क्या निकालूंगा पहले, बहुत सिंपल सा मैं, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेप कराऊंगा मैं, बाकी आगे तुम लोग को ही करना है। मिड पॉइंट नहीं है तो मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट तो कोई भी नहीं है, क्या करो मालूम, देखो सिंपल सी बात बता दो, एस का कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्यों मालूम, अगर एक बार एस का निकल गया ना, अगर एक बार तो क्यू, तो इन दोनों के मिड पॉइंट से क्यू निकल जाएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से आर निकल जाएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से पी निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा काम है मेरे को एस का कोऑर्डिनेट निकालना। क्या काम है मेन, बराबर है, या तो पी निकाल लो, एक ही बात है, पी निकाल लोगे तो पी और बी के मिड पॉइंट से आर निकल जाएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से एस निकल जाएगा, या इन और इन दोनों के मिड पॉइंट से क्यू निकल जाएगा, सही है। तो मैं पी निकाल लेता हूँ, चलो एक्स कॉमा वाई, चलो पी निकाल लेता हूँ, ठीक है। पी निकालने से सारी आसानी हल हो जाएगी, वो फोर सेक्शन वाला बन जाएगा पूरा के पूरा सम। अगर पी निकाल लिया मैंने, पूरा के पूरा सम फोर सेक्शन वाला बन जाएगा, बराबर है, जो तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं तो सिर्फ पी तक के कराऊंगा, ठीक है। पी कैसे निकालोगे, जैसे ट्राई सेक्शन में किए थे, ए पी अपॉन पी भी लेता हूँ, अब जाहिर सी बात है 1/1, 2, 3, 4 1/4 आने वाला है, सही बात है। चलो निकालते ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, ए पी को तो वैसे ही रखूंगा, पी बी क्या होता है, अच्छा उससे पहले मैं ये लिख दू कि भाई ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू इसको बंद दे देना, ठीक है चलेगा, वो बाद में दे देगा तुम लोग। चलो पी बी क्या होता है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस बी एस बी, सही बात है, सही है। चलो एपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एपी अपॉन सब एपी से इक्वल है, तो एपी प्लस एपी प्लस एपी प्लस देखो जो ऊपर रहते हैं ना, नीचे वाले को वही बना लेना, ट्राई सेक्शन में भी वही सीन था, फोर एपी, तो एपी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन फोर ए पी, ए पी ए पी ए पी अपॉन पी बी का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब एम रेशियो एन आएगा 1:1, मतलब ये पार्ट इतना पार्ट 1 है और इतना पार्ट 4 है, ये एम हुआ और ये एन हुआ, सही है। चलो मैं अब ये पी एक्स फॉर्मा वाई पे पड़ेगा, मारो सेक्शन फॉर्मूला, therefore by section formula, सही है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला क्या है, m प्लस n x टू m प्लस n m x टू n x वन, सही है। चलो m क्या है मेरे पास 1, x2 क्या है मेरे पास x1 y1 x2 y2 0 प्लस n क्या है मेरे पास 4, x1 क्या है मेरे पास 20, सही है, अपॉन 1+4, 1 0 जा 0, 4 2 जा 80 अपॉन 5,
जीरो प्लस 80 इज 80 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 1 जा 5, 3 बचा 5, 6 जा 30, इसकी वैल्यू आ रही है 16, बराबर है। चलो वाई निकालू, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, बराबर है। चलो तो वन वाई टू क्या है मेरे पास 20, एन क्या है 4, वाई वन क्या है 10, बराबर है, अपॉन वन प्लस 4, 20 4 10 जा 40 अपॉन 5, तो कितना 60 अपॉन 5 होगा 12, 5 1 जा 5 12 जा, तो मेरे को मिल गया P का कोऑर्डिनेट 16, 12, बराबर है। तो ये आ गया 16, 12। अब यहां से तुम लोग करोगे क्या करोगे, R को X, Y लोगे, मिड पॉइंट थ्योरम इन दोनों पे मारोगे तो R निकल जाएगा, फिर ये एक बार निकल गया इन दोनों पे मारोगे तो S निकल जाएगा, इन दोनों पे मारोगे तो वो फोर सेक्शन वाला हो गया पूरा के पूरा सम, सही है। तो अब इसके आगे तुम लोग का काम है करना, चलो फटाफट फटाफट तुम लोग भी कैसर और ओएस भी करना शुरू करो, सही है। तो मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो ये था सम, चाहिए तो स्नैप ले लो फटाक से, ठीक है फटाफट करो। ये लास्ट क्वेश्चन था तो करने में तो थोड़ा टाइम जाएगा, चलो ठीक है कर दो स्ट्रीम, वैसे भी कोई तकलीफ तो दे नहीं रही है। साइंस के लिए नई स्ट्रीम बनाऊंगा मैं, साइंस के लिए कुछ लिखना पड़ेगा आज, हाँ लिखने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखने का, सिर्फ समझने का तुम लोग को, ये सब घर पे आके करता हूँ, सिर्फ एक ही पेज बचा है। चलो तो ओवेज और केसर, यार ये उल्टा क्यों हो गया, मैं ओवेज और केसर साइंस के लिए नई स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ, साइंस की टेक्स्ट बुक का तुम लोग को मैंने पीडीएफ भेजा था, फटाफट पीडीएफ डाउनलोड करो और अब साइंस का कंसेप्ट सीखेंगे और इसका बचा हुआ सम सॉल्व करके भेजना मेरे को, और जो बाकी बचे हुए सम थे केसर में तेको ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक का पूरा के पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक में से याद कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सम बाकी है अपने, और क्वेश्चन नंबर 7 के 2 सम बाकी, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सम है और क्वेश्चन नंबर 7 के 2 सम है, कल रहे मेरे को इसका होमवर्क तुम लोग से कंप्लीट चाहिए, ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूले का और एक सेंट्रोइड फॉर्मूले का है, ठीक है, तो उसका होमवर्क करके आओगे। साइंस के लिए नई स्ट्रीम स्टार्ट करो, फटाफट नई स्ट्रीम पे आ जाना, ठीक है, बंद कर रहा हूँ और ये वाला सम सॉल्व करो फटाफट। तुम लोग को मैं देता हूँ 5:08 हो रहा है ना, 5:15 को साइंस की स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा मैं, 7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, चलो बाय।